स्लाइड? यस मैम। ओके, तो हम लोग को जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक दैट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपको सीधे सीधे जो टॉपिक में अगर आप हेडिंग देखोगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे आपको जो बेस है उसका, जो ग्राउंड है, सर्कमस्टेंसेस हैं, कब कब कर सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया था कंट्रोल को और रिव्यू को अलग अलग करके। कंट्रोल में हमने क्या देखा था, जो उसकी एक सिंपल डेफिनेशन की कंट्रोल एक एक्सरसाइज है, किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, एक पावर बाय द कोर्ट्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, बाय द कोर्ट्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, जुडिशियल कंट्रोल, क्योंकि ये कंट्रोल किसके द्वारा रखा जा रहा है, बाय द कोर्ट्स। ठीक है, द पावर ऑफ द कोर्ट इज टू कीप द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स विदइन द लिमिट ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हैं, जो हम लोग इतने सारे देखते आ रहे हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, उस तरीके के सारे एक्ट्स जो डेलीगेट किए जाते हैं बाय द लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी एक्ट्स डेलीगेट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, उनके ऊपर एक तरीके से चेक रखने के लिए, ठीक है, ताकि वो कैसे काम करें, अपनी लिमिट्स में काम करें। ठीक, और एट द सेम टाइम अगर वो अपनी लिमिट्स के बाहर काम करते हैं जुडिक्शन के, तो ये सारे एक्ट्स को कौन ला सकता है, जो भी पर्सन एग्रीड होगा एक तरीके से, तो उसकी ये राइट है कि उनको ये जो रॉन्गफुल एक्ट है उसको चैलेंज किया जा सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, अब जुडिशियल रिव्यू क्या था, जुडिशियल रिव्यू पावर था कोर्ट्स का टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू तीन पार्ट्स में हमने देखा, ठीक है, किस किस के ऊपर चल रहा है, एक तो सबसे पहले लेजिस्लेशन के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर। एग्जीक्यूटिव क्या आप देखते हो, तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाता होगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, जब आप प्रेसिडेंट का जो पावर है पार्डनिंग का, ठीक है, तो आपको आपने कुछ केस लॉज पढ़े होंगे या तो आपको पता ही होगा कि पार्डनिंग का जो पावर है वो भी दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पता है कि नहीं सबको? हेलो, वॉइस यस मैम। पार्डनिंग का पावर होता है प्रेसिडेंट का, वो भी होता है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। 72 और 161 दोनों आर्टिकल ऐसा डायरेक्टली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर थ्रू केस लॉज ये जुडिशरी ने बोला है अगर कुछ ऐसे ग्राउंड्स आ जाते हैं जहाँ पे ये लगता है कि जो पावर का यूज किया है बाय द प्रेसिडेंट हु वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में कुछ नहीं करता, जो भी करता है एडवाइस पे करता है, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका भी जो एक्शन है, जो पार्डनिंग, अगर उन्होंने किसी को पार्डन किया है तो वो एक्शन को भी हम जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ला सकते हैं अगर वो कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल मतलब अगेंस्ट हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायर से आर्बिट्ररी तरीके से कुछ लिया गया है, तो उन सारे कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं केस लॉज के थ्रू कि हम उनको भी क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जो एक्शन जो पावर का यूज करके पार्डनिंग फंक्शन, जो पावर अपनी पावर का यहाँ पे यूज किया गया है पार्डनिंग के लिए अंडर आर्टिकल 72 एंड 161। ठीक है, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों की जब चीजें हैं वो पैरेलल चलेंगी पावर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट का हो रहा है तो एट द सेम टाइम इधर गवर्नर का भी स्टेट में होगा, तो दोनों जब पैरेलल चल रही हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का चेक किस पे हो रहा है, एग्जीक्यूटिव पर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पे तो हम देखते ही हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हैं जिनके ऊपर पावर डेलीगेट की गई है, तो तीनों बॉडीज यहाँ पे क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं इसके उसको गवर्न करती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इन तीनों को गवर्न कर रहा है, एंड टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तीनों में यही उनको डिटरमाइन करना है क्या जो भी एक्शंस लिए गए हैं क्या वो कंसिस्टेंट हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को तोड़ कर देखा, ठीक है,
तो हमने जाना कि कंट्रोल क्या होता है और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। अब हम एक पूरा का सेंटेंस अगर आप बनाओ खुद की लैंग्वेज में, तो आप कैसे बनाओगे? जुडिशियल रिव्यू ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थ्रू रिट्स, समझ आ रहा है? एक तरीके की ये साइकिल है, ये प्रोसीजर डिफाइन नहीं करवा रही है, एक तरीके की ये पावर है। अब यहाँ पे प्रोसीजर कहाँ के अंदर आ रहा है, किस टर्म्स के अंदर आ रहा है, किसके थ्रू जाओगे? 32 हो गया, 226 हो गया, ठीक है, और थ्रू रिट्स के थ्रू। तो 32 के अंदर दो तरह की चीजें मेंशन होती हैं। हेलो, वेयर एक्ट है सबके? यस मैम। एक सेकेंड होल्ड करो ना। तो हमने देखा एक पूरा सेंटेंस कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थ्रू रिट्स। अब ऐसे भी कह सकते हो जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू थ्रू रिट्स, विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू थ्रू रिट्स, समझ में आ रहा है? जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू थ्रू रिट्स, कनेक्शन समझ में आया? क्योंकि आपको यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़नी है। आपने जुडिशियल कंट्रोल भी पढ़ लिया, सर्कमस्टेंसेस पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है एक पावर की, जो कि हमको किसके रूप में मिल रही है, जुडिशियल रिव्यू के रूप में मिल रही है। अब उस पावर का यूज किस तरीके से होगा, एक तरीके का आप कह लो प्रोसीजर, किसके थ्रू हम जाएंगे, ठीक है? तो वहां पे 32 और 226 के अंदर हम जा सकते हैं, एट द सेम टाइम थ्रू PIL वगैरह के थ्रू भी जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे आप कह लोगे, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले 32 देखें। थर्टी टू में ये मेंशन है, the right to move to the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by this part is guaranteed. ठीक है, second क्या है, the Supreme Court shall have power to issue directions or order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, whichever is appropriate. अब ये रिट्स किस पर डिपेंड करती है, आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, ठीक है? एक चीज बताइए, जो जुडिशियल एक्शंस की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादातर कौन किस तरीके की रिट सामने आनी चाहिए जुडिशियल? मैंडमस आनी चाहिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि वहां पे जो ग्राउंड्स हैं वो ज्यादा क्लियर कट डिफाइन है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमने एक्शंस देखे हैं, अगर उनको दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों की कॉमन चीजें देखी जाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंडमस बेस्ट है कि इस तरीके के केसेस में यहाँ पे ये इशू हो सकती है, ठीक है? विथाउट प्रेजुडाइज, एक प्रेरोगेटिव रिट्स पता है आपको क्या होती है? बताओ शिव, सुशील, अविनाश, मैम क्वेश्चन रिपीट कर।
मैम क्वेश्चन रिवाइज कर दीजिए, एक सेकंड कर। एक मिनट होल्ड करिएगा, ठीक है। प्रोगेटिव रेट्स जो आर्टिकल 32 के अंदर है, हेलो, जो क्लॉज 3 है। हाँ मैम, 5 स्टेट है, 5 स्टेट में जीरो से सकते हैं। नहीं, जो एक तरीके की जो आर्टिकल 32 है उसका जो आप क्लॉज 3 है, ठीक है, उसमें जो चीजें मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस वे में नहीं दी गई है, कहीं उसके अंदर मेंशन है, एक तरीके का पावर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रीरोगेटिव राइट्स। पता है इसे, ये टर्म सुना है किसी ने? यस मैम। हाँ बताओ मैम। ये मेनली ये मैम एजेंसी या फिर गवर्नमेंट को की जो ऑफिशियल होते हैं मैम, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर के लिए ये मेंशन किया गया है। देखो ये होता है, एक बार आप लोग फिर से सर्च कर लेना, ठीक है, हम जो बता रहे हैं एक तरीके का पावर होता है, जहाँ पे जो रिट्स इशू करने की पावर किसको, एक हम लोग को पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये अगर पार्लियामेंट चाहे तो विथाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो इशू है, जो रिट्स हैं, ये किसी और कोर्ट के फेवर में भी इशू कर सकते हैं, मतलब किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकते हैं, दैट इज कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी। ये इसका टॉपिक नहीं है, बट मेरे को याद आ गया था इसलिए मैंने आपको बताया। जो प्रीरोगेटिव रिट्स होती हैं उसमें पार्लियामेंट विथाउट मेकिंग चेंजेस सुप्रीम कोर्ट के पावर में चेंज ना करते हुए, अगर जरूरत पड़े तो ये वाला जो पावर होता है रिट्स इशू करने का, ये किसी और को भी दे सकती है, ठीक है, कि रिट आप कोई और कोर्ट भी इशू कर सकता है। समझ आ रहा है? हेलो मैम, इन रिट्स को क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर सकते हैं? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जारी कर सकते हैं। हाँ, ये यही पावर है मैम। ये तो मतलब पब्लिक ऑफिशियल को या एनी अदर कोर्ट को या किसी गवर्नमेंट के एजेंसीज को, किसी को भी दे सकते हैं मैम। किसको दे सकती है मैम? अगर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो या पब्लिक का ऑफिसर हो या फिर कोई अनदर कोर्ट हो, किसी को भी हैंड ओवर कर सकते हैं मैम, ये तो सबको कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं ये देखो ना आप, पहले मैम इसमें तो केवल एनी अदर कोर्ट्स को इशू करना है, ठीक है, ये देखिए, पार्लियामेंट मे बाय लॉ इम्पावर एनी अदर कोर्ट, ठीक है, टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज ज्यूरिडिक्शन All or any of the power exercisable by the Supreme Court under Clause 2. Under Clause 2 के अंदर क्या है? Writs की power. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको कभी question आ जाता है कि prerogative जो writs हैं वो किस article के अंदर issue होती हैं, तो you will write Article 32 Clause 3. Okay. ठीक है? यहाँ पे directly mention नहीं है वो term, पर उसको ये कहते हैं, इसलिए मैंने याद आ गया था, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। ठीक, अपना एक बार रिसर्च कर लेना तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे कि भाई हम लोगों ने देखा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थ्रू रिट्स के थ्रू ला सकते हैं, हम किसके ऊपर एक्शन किसके ऊपर ले सकते हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के ऊपर इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली पढ़ लिया जो बेस था कि भाई क्या है कंट्रोल एंड क्या है जुडिशियल रिव्यू,
अब दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है जो हम मेंशन करेंगे जब जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है, कोर्ट्स के इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि भाई ये लेजिटिमेट करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस को, एट द सेम टाइम क्या करते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि कोई भी अननेसेसरी इंक्रोचमेंट ना किया जाए बाय द गवर्नमेंट और बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ठीक है, एट द सेम टाइम आप देखोगे अभी हम पढ़ने वाले हैं तो हम बताते हैं, ये हमने पढ़ लिया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे देखोगे इम्पोर्टेंस क्या है बेसिक जुडिशियल रिव्यू की, ये बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं, इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वरना कोई भी यहाँ पे एक तरीके से हाईजैक कर लेगा। इट इज एसेंशियल फॉर चेकिंग द पॉसिबल मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब ये जो भी मिसयूज किया जाएगा पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड बाय द एग्जीक्यूटिव, वो उसको एक तरीके से चेक रखना है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द पीपल, एट द सेम टाइम जो भी अनफेयर डिसीजंस लिए जाएंगे उसको प्रोटेक्ट करना है। इट प्रिवेंट्स टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मनमाने ढंग से कोई भी काम ना किया जाए बायस तरीके से, उस सारी चीजों को एक तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। अब बात आ जाती है जब हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली, एक लेजिस्लेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक जुडिशियल, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मैंडमस आपने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एक थर्ड तरीके की रिव्यू की बात करते हैं, रिव्यू ऑन जुडिशियल डिसीजंस, ये भी मोस्ट कॉमन चीज है कि नहीं है, तो ये किसके रिट्स के थ्रू आ सकती है, ये वाला जो रिव्यू है? Yes. बताओ भाई कौन सी रिट्स आएगी यहाँ पर रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन में? मैम इसमें सर्सरी और प्रोहिबिशन रिट्स जो हैं, हाँ ठीक है, इसमें प्रोहिबिशन एंड सर्सरी आ जाएगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जुडिशियल डिसीजन पे भी किसका यहाँ पे ऊपर चेक है, मतलब उनको भी हम लोग जुडिशियल रिव्यू के थ्रू यहाँ पे चेक में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन तरीके की जुडिशियल रिव्यू है, रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन जो क्या करती है, दिस रिव्यू इम्प्लाइज द पावर टू एंश्योर दैट लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर आर इन कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरीके की रिव्यू है जो कोर्ट को ये पावर देता है कि भाई जो भी लेजिस्लेचर पास किए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग में हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर ये पर्टिकुलर चीज अगर नहीं फुलफिल हो रही है तो वो सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू बन जाता है। ठीक है, रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये भी एक तरीके का टूल है जहां से हमको क्या करना है, इन्फोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कि भाई आपको भी किसके अंदर वर्क करना है, जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको मिला है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जब आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये दिख गया है कि भाई ये तीन तरीके की रिव्यू होती है, एक तो आपने पढ़ लिया बेसिक यहाँ पे होता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, टाइप्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोविजंस हम लोगों ने देख लिए थे आर्टिकल के अंदर। ठीक है, जो कल देखे थे, ये है फंडामेंटल सब्जेक्ट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं विच आर सब्जेक्ट्स टू जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे क्या है, किस किस चीजों को फोकस किया जाएगा ये चीज देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये दो पॉइंट आ रहे हैं जो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा किसी भी पार्ट का कुछ भी, तो यहाँ पे इट विल बिकम सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर आ जाता है वॉयलेशन ऑफ वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन एम्बॉयडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसको वॉयलेट करके कोई पर्टिकुलर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज बनाए जा रहे हैं, दैट विल बी कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब आ जाती है थर्ड पॉइंट पे, इनएक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट इन वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इनएक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट इन वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। हेलो, यस मैम, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव एक्ट बनाए गए हैं, जो हमने तीन चीजें की कंट्रोल नहीं पढ़ते चले आ रहे थे, तो हमने देख लिया था कि भाई जो लेजिस्लेटिव एक्ट बनाया जाएगा, जैसे कि जो इनेबलिंग एक्ट या जो पेरेंट एक्ट था वो ही किसके अगेंस्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन के,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है, तो वहां पे एक कंडीशन रखी गई थी वो भी। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि भाई जो भी इनएक्टमेंट आप बना रहे हैं बाय द लेजिस्लेशन वो वायलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो वायलेशन में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। ये पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डेलीगेशन ऑफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर बाय द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर बॉडी। अब ये देखो ये बात हमारी आ गई जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर, कि जो भी डेलीगेट की जा रही है एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर किसके द्वारा, बाय द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव या फिर किसी और बॉडी को, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा अगर वो अल्ट्रा वायर्स होती है, ठीक है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए बनाई जा रही है या फिर एक्सेस पावर बनाई जा रही है, अनरीजनेबल बनाई जा रही है, मैलाफाइड इंटेंशन से बनाई जा रही है, कोई भी जो सारे सर्कमस्टेंसेस मेंशन किए थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाता है वायलेशन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। एक्सप्रेस क्या होता है, जो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं विच आर इम्प्लाइड, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं लिमिटेशंस हैं जो किसके थ्रू आती है, थ्रू इंटरप्रिटेशन एंड ऑल, ठीक है। तो इन तरह की चीजों का भी अगर वायलेशन होता है तो कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो जाएंगे। कितना समझ आया? हेलो, यस यस मैम, सबको आ रहा है? कौन कौन बैठा है? तो राजी तोषा, हेलो रितिका, सबको समझ आ रहा है? ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में फ्रेम करोगे, ठीक है। प्रमोद जी, जी जी आ रहा है जी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है घूम फिर के आपको वहीं आना है, ठीक है जी, ये थोड़ा वो हो सकता है। नाउ थ्रू केस लॉज इस सारी चीजों को हम लोग को सपोर्ट करवाना है। केस लॉज बहुत सारे हैं, दोनों बुक्स जो केसरी और मैंने उपाध्याय को पढ़ा, जितना भी जो चीजें आपके मतलब की थी, ठीक है, तो कुछ पेज नंबर्स वगैरह हैं क्योंकि ये चीजें बहुत ही मतलब सीक्वेंस में नहीं दिया गया है कुछ भी, कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो जुडिशियल रिव्यू एक पूरा चैप्टर अच्छे से दिया होता, ऐसा सच नहीं दिया गया है। आप लोग को ऐसा लगता है? नहीं मैम, है ना, तो चीजों बहुत ही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए यहाँ पर परफेक्ट होगी आपको एड ऑन करने के लिए आपके आंसर्स में, ठीक है, आपको किस किस जगह तक पहुंचना है अपने आंसर्स को फ्रेम करने के लिए। तो कुछ कुछ पार्ट कहीं आगे है कहीं पीछे है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केस लॉस मिले हैं, कुछ केसरी के हैं, कुछ उपाध्याय के हैं, तो ये कुछ केस लॉस हम लोग थोड़े डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे ओवरऑल यही बताया गया है जो हमारा जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेनका गांधी वाला कोई रीड करके आया भाई? दीक्षा पढ़ा था? नो मैम, नहीं पढ़ा। और किसी ने पढ़ा? तुम डेजर्टेशन बना रहे हो क्या आजकल? यस मैम, डिसर्टेशन और असाइनमेंट। अच्छा, वो भी जरूरी है, बस आधा आधा घंटा दे दिया करो। जैसे आप लोग सर्फिंग करते हो नेट वगैरह में, ऐसे हाथ में लिए बैठे रहते हैं मोबाइल, सभी लोग मोस्ट कॉमन चीज है, उसी टाइम कर लिया, ठीक है जी मैम। सुशील बताओ भाई, आपने किया? भाई कहाँ कहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है, वो केस लॉज आ जाते हैं सामने, है ना। कुछ मेन पॉइंट्स ही दिए हैं, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, ये सब कुछ।
और यहाँ पे हम लोग को खुद को इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा खुद का, ठीक है। शिव फाइंड किया था, कुछ मिला? नहीं मैम, कर नहीं पाए मैम। एक आर्टिकल के थ्रू मैंने थोड़ा पढ़ा था, वो अभी मैं शो करूंगी। ओके मैम। ये उपाध्याय का पेज नंबर 294 है, जहाँ पे टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट का केस दिया हुआ है, ठीक है। 294 मिला सबको उपाध्याय के, जिसके पास है खोल लो भाई। पेज नंबर वगैरह नोट कर लेते रहना, अगर सेम बुक है, 11th एडिशन है। इसमें दिया है कि जुडिशियल रिव्यू की, हाँ, 10वां एडिशन है, 10th एडिशन। अच्छा, तो ये जो एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स एंड कन्फर्मेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, उसका जस्ट उससे पहले वाला पेज है। ओके मैम। 17th चैप्टर से जो पहला लास्ट पेज है उसका वही है, ठीक है। ओके, मतलब 16th चैप्टर का लास्ट पेज। ओके। उसमें दिया है कि जुडिशियल रिव्यू मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इट सीक्स टू इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर टेकिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाए वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हो, ठीक। अगर नहीं होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, चेक होगा। और यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। एक हम लोगों ने जो थर्ड यूनिट में पहला जो नेचुरल जस्टिस पढ़ा था वो भी है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी इसी के अंदर आ जाता है, ग्राउंड की तरीके से। तो ओवरऑल जो भी हमने यहाँ पे केस लॉज देख रहे हैं और भी मेंशन है, सारी जो पर्टिकुलर चीज यहाँ पे कंसाइज वे में जो हम आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, अपने आंसर में डाल सकते हो कि ये भाई ग्राउंड्स है, दैट इज इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी, प्रोसीजर इम्प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनैलिटी, अनरीजनेबलनेस, ठीक है। ये चारों चीजें, पांचों अभी हम बता देंगे, यही ग्राउंड्स निकल के आ रहे हैं जो ओवरऑल आप देखोगे अपने केस लॉज के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पे इन टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट लेस डाउन दैट जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्न विद रिवाइविंग नॉट द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन बट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी है जब जुडिशियल रिव्यू की आप बात कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो केस लॉज आएंगे आपको, उसमें ये है कि भाई जुडिशियल रिव्यू का काम क्या है, जो मेरिट्स हैं डिसीजंस की उनके ऊपर वर्क ना करना, बल्कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको एक तरीके से चेक करना, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहाँ पे आ जाएगा, उसके पीछे की क्या क्या वजहें होंगी, सरकमस्टेंसेस होंगे, ठीक है, जो आपको पावर दी गई है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो। तो यहाँ पे मेन पर्पस जो कोर्ट का होगा वो चेक करना है कि भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। मेरिट्स डिसाइड नहीं करनी जाएंगी यहाँ पर, यहाँ पे एक तरीके से अपील और जुडिशियल रिव्यू डिफरेंस आप समझ लेना, ठीक है। अपील में क्या होता है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बताओ भाई, आप लोग अच्छे से पता होगा। हेलो, हाँ बताओ भाई। मैम ये कह रहे थे जब कोई ऑर्डर आ जाता है फाइनली तो उसके अगेंस्ट जो है अपील फाइल की जाती है। हाँ, और उसको फिर से शुरू से स्टार्टिंग से फैक्ट्स पे डिस्कशन होता है अपील में? मैम स्टार्टिंग से तो नहीं, मैम होता जो भी होता है तो लोअर कोर्ट में हो जाता है, बस ये ऑर्डर मतलब जो ग्राउंड्स चैलेंज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस के बेसिस पे कोई भी डिसीजन आ गया। अब अपील में क्या होता है, जो जजमेंट आया वो उलट कर दूसरा आ सकता है हायर कोर्ट के द्वारा, है ना। और यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के अंदर जब आप बात करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे बॉडीज की जो भी हम चैलेंज कर रहे हैं, उसमें क्या सीधे सीधे होता है, आपने देखा होगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। यस मैम, ठीक है, उनका काम नहीं है कि क्या सही है, उन्होंने क्या ग्राउंड क्या चेक किए भाई, क्या क्या सरकमस्टेंसेस थे जो आपने डिसीजन मेक किया, उसके एक तरीके से प्रोसेस को चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हमने देखे, देखो पहले भी अभी देखे कंट्रोल के अंदर,
कि इट इज डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड अल्ट्रा वायर्स, है ना। अब फर्दर काम किसको दे दिया गया, चीजों को सही करने का, जहां से ये पावर ड्राइव होके आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे डिसीजंस आप देखोगे उस तरीके का नहीं सामने ला रहा है कोर्ट। बहुत ही कम केसेस होते हैं जहां पे पेनल्टीज वगैरह लगाई जाती हैं इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस लॉस में, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस पे भी हुआ तो भाई वहां पे लिख लिया इट इज इनवैलिड अल्ट्रा वायर्स, ठीक। अब बात यहाँ पे क्या आ जाती है, फिर से हियरिंग की काम बात हो गई। अब फिर से उनको समय दिया जाएगा, मतलब जो उनके दो जो सब्जेक्ट्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के वो फुलफिल नहीं हुए तो उनको फिर से सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा, उनको सुनने का, ठीक है। मौका नहीं दिया गया तो उस ग्राउंड पे उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करके उसको फिर से क्या कर रहा है, सुनवाई का मौका। एक चीज आपने खुद कॉमनली देखी होगी इन तरीके के केसेस में, आप लोग एग्री करोगे कि नहीं, रिवाइज कर दीजिए मेरे को समझ। हाँ हेलो, यस मैम। आप सीआरपीसी में अपील वगैरह पढ़ना, ठीक है। एक बार फिर से नहीं आ रही है वॉइस, आ नहीं रही आपको। हेलो मैम, बहुत कम आ रही है वॉइस, इसलिए अगर मैम रिपीट कर दीजिए एक बार मैम उसको। एक सेकंड, आपको तो ये 100% है। किस किस को नहीं आ रही भाई? हेलो, बीच बीच में मैडम कट जाती है आवाज, ये नेटवर्क का इशू हो रहा है बेटा। हेलो अब आई, हेलो जी मैम अब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से जो टाटा सिल्वर केस है उसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि अपील और जुडिशियल रिव्यू में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे मेरिट्स की बात होती है और कहाँ पे सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात क्वेश्चन किया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से रिलेटेड जो भी अगर उनके पावर से एक्सेसिव या अल्ट्रावायर तरीके से वो वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे उस तरीके के केस लॉस में, एडमिनिस्ट्रेटिव केस लॉस में, सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर जो है कहाँ से ड्राइव हुई है, कितना पावर उनको मिला था, कितना एक्सेस पावर उन्होंने वर्क किया, क्या मॉडिफाइड किया, ठीक है, जो अनरीजनेबल है, इस तरीके की चीजों पर वर्क किया जाता है, ठीक है। और अपील में क्या होता है, वो मेरिट्स, पूरी केस की मेरिट्स देखते हैं, पूरा खुल जाता है केस एक तरीके से, ठीक है, और जजमेंट भी उनका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ उनको एक तरीके से उस पर्टिकुलर जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या गलत, एक तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में देखोगे वर्ड्स में तो सही है या गलत वो डिसाइड करते हैं, बाकी काम आपका है, और गाइडलाइंस इशू कर देते हैं, ठीक है। यस मैम, ठीक। तो यहाँ पे इसी केस लॉ के नीचे दिया गया है एज ए कंक्लूजन में कि भाई द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कन्फाइंड टू फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उन पर्टिकुलर चीजों तक कन्फाइन है कि भाई आपने डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है उसकी जो पावर्स हैं वो किस हद तक यूज करी, ठीक है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, अनरीजनेबलनेस, इलीगैलिटी, ये जो हम प्रोपोर्शनल ये पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी, ये कुछ ग्राउंड्स हैं विच आर कंसिडर्ड एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू एज फार एज एडमिनिस्ट्रेटिव केस लॉस आर कंसर्न। और कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जुडिशियल रिव्यू में ये तरीके के केसेस और अपील के केसेस को डिफ्रेंशिएट किया है टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो यहाँ पे इलीगैलिटी क्या आ जाती है, ये कि भाई जो डिसीजन मेकर है मस्ट करेक्टली अंडरस्टैंड द लॉ दैट रेगुलेट्स हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मस्ट गिव इफेक्ट टू, ठीक है, कि कोई भी आपको इस तरह के काम नहीं करना है जो आपके पावर्स जो आपको डिफाइन की गई है उसके अगेंस्ट हो, ठीक, कह लो आप मॉडिफाइड इंटेंशन से, और इरेशनल क्या होता है जो सिंपल लैंग्वेज में कि भाई जो भी आपका डिसीजन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का डिसीजन होता है
वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट हो, कि भाई कोई भी सेंसिबल पर्सन है उसको वो पर्टिकुलर चीज वो उस तरीके के डिसीजन में ना पहुंचे जो आपने किया है, ठीक है, कि आपकी सोच से बिल्कुल अलग कोई भी सेंसिबल पर्सन जिस कुड विच कुड नॉट अराइव एट सच डिसीजंस, जो आपका डिसीजन है, ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति उस तरीके के डिसीजंस ना करे, उस तरीके का आपका कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक। प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी, अब प्रोसीजर की बात की जा रही है तो यहाँ पे वही सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई जो आपका प्रोसीजर है वो कैसा होना चाहिए, अगर कोई मैंडेटरी प्रोसीजर मेंशन है तो वैसा होना चाहिए, नहीं है तो वो भी इस तरीके से जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी एक्शन लिया गया है, तो वो एक तरीके से रैशनल होना चाहिए, फाइनल उसका एक डिसीजन आप सोच लो कि वो रैशनल तरीके से लिया गया हो, कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। अनरीजनेबलनेस वो हमने देख ही लिया कि भाई कि जो हमने मेनका गांधी में दिया गया है कोई भी इस तरीके का ना हो विच इज अनरीजनेबल एंड विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। अनरीजनेबल को आप हिंदी में कौन सा टर्म यूज करते हैं, अनरीजनेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुचित है, अनुचित, अनुचित प्रक्रिया, अनुचित, ठीक है। फिर हम लोग शुद्ध हिंदी में अकारण कहते हैं मैम, इसका कारण ना हो, अकारण मैम, अकारण, अकारण मतलब इसका कारण नहीं है, यस मैम, मैडम लेकिन लेकिन बुक में अनुचित ही दिया हुआ, अकारण नहीं दिया शब्द मैम, अनुचित शब्द जो है वो फिट रहता है, अकारण तो एकदम शुद्ध हिंदी वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और अनरीजनेबल है तभी वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट बन जाते हैं। ओवरऑल जो सारे केस लॉस हैं इसमें ये तरीके के ग्राउंड्स को ही कंसिडर करके उनको चैलेंज किया गया है, और कहीं ना कहीं इसको अपील के अपील एक डिफरेंट प्रोसेस माना गया है और जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस अलग तरीके का प्रोसेस है, ठीक। तो यहाँ पे आप कोई भी केस लॉस देखेंगे उस तरीके का यहाँ पे गाइडलाइन इशू हो जाती है, कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन किया जाता है कोई भी जजमेंट, पर उसको फिर से ऑन द मेरिट्स डिसाइड नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे रेफरेंस, ठीक है, उसके बाद रिव्यू, और आप लोग क्या पढ़ते हैं सीआरपीसी में, सीपीसी में भी रिवीजन, रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, किसके बेसिस पे आप रेफरेंस करोगे, किसके बेसिस पे आप रिव्यू करोगे, कौन से पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा आपका कोई भी केस, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक। तो यही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद आपका जो केसरी का पेज नंबर है 387, केसरी में पेज नंबर 387, उसमें सेकंड केस तो हमने यहाँ पे लिख रखा है फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वेयर अ पॉलिसी इवॉल्व इट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई गई है विच इज इनकंसिस्टेंट, किसके इनकंसिस्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड जो लॉ बनाया गया दैट इज आर्बिट्ररी और इरेशनल और लीड्स टू द अब्यूज ऑफ पावर, द कोर्ट विल इंटरफेयर with such matters because judicial review administrative action is a part of rule of law. Federation of Railway Officer Association में ये बताया गया कि जहाँ पे कोई भी ऐसा laws बनाए गए हैं, bylaws, rules, regulation, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर policies बनाई गई हैं which is against the constitution, तो यहाँ पर एक तरीके से जो judicial review है which is the part of rule of law, essential part है rule of law का, ठीक है, वो इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में भी
ये एक तरीके का माना गया है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था, जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। एट द सेम टाइम एक सब्जेक्ट है ये रूल ऑफ लॉ का, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अगर फॉलो नहीं की जा रही हैं तो इट विल कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट जो सीधे सीधे यहाँ पे जजमेंट्स दिए गए हैं सिर्फ इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए, यहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स यूनियन एसोसिएशन एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये केस है, इसके जो कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, ग्राउंड्स हैं या फिर कह लो आप फैक्ट्स थे, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करती किसी भी इस तरीके की पॉलिसीज में, ठीक है, तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी इनकंसिस्टेंट ना हो। किस बेसिस पे ये जो चीजें दी गई हैं, ग्राउंड्स जो दी गए हैं, ठीक है, इन ये अगर ग्राउंड्स नहीं है, अगर सारी चीजें परफेक्ट है तो अपने आप उसको एक तरीके की वो अनगाइडेड मिसाइल नहीं है। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है अनगाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल से क्या मतलब बताओ, हिंदी में बताओ। अनगाइडेड मिसाइल को क्या समझोगे आप, इंटरप्रेट करोगे? ये फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिशियल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया है कि कोर्ट अपने आप कुछ भी नहीं करता है, तभी करेगा जब ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स फुलफिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो कोर्ट की पावर है वो कहीं, जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो अनगाइडेड मिसाइल नहीं है। तो ये इसी टर्म्स के ऊपर ये क्वेश्चन, ये जो आपका केस लॉ है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बताओ भाई अनगाइडेड मिसाइल बताओ, मिसाइल को बिना गाइड किए छोड़ देना तो क्या होगा? नियंत्रित होता है, मैं हिंदी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, नहीं भी गिर सकती। अनगाइडेड विदाउट कंट्रोल, ये नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में तीर छोड़ रहे हैं, ठीक है। आपके ग्राउंड्स आपको पता नहीं है और वो सारे सर्कमस्टेंसेस, वो पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस उस केस लॉ के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जस्ट कोई भी चीज हुई, हो सकता है वो इन सारे ग्राउंड से हटकर कोई ग्राउंड हो जो कि वन पर्टिकुलर ग्राउंड जो हम लोगों ने इतने सारे पढ़ते चले आ रहे हैं उसका सब्जेक्ट ना होते हुए भी आप एक तरीके से उसको फिर से चैलेंज कर रहे हो उन ग्राउंड्स पे भी, ठीक है। तो यही कहा गया है, जब तक कुछ पर्टिकुलर अपने आप से वो कुछ नहीं करने वाला है, एक तो सबसे पहले उसको चैलेंज किया जाए, एट द सेम टाइम क्या होगा यहाँ पर उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को वो कंसिडर करेगा। ये नहीं है आंख बंद करके किसी भी डायरेक्शन में वो मिसाइल छोड़ दे, ठीक है, जिसको गाइड नहीं किया गया है। आप इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को आप सिस्टम से सेट करके आप उसको चला रहे हैं और उसको उस तरीके से ना चलाते हुए एस सच ही छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी डायरेक्शन में भागने लगेगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे भागना नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, बट उन्हीं पॉइंट्स पर हमको यहाँ पे वर्क करना है जो पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये कोई अनगाइडेड मिसाइल नहीं है, ठीक। और यहाँ पे फैक्ट्स थे कि भाई इन दिस केस फैक्ट्स वर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वॉज टेकिंग टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू रेलवे जोन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रेलवे रिफॉर्म्स कमेटी। एक रेलवे रिफॉर्म कमेटी थी, उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दिया था एक नया रेलवे जोन बनाने का, उसको इन्होंने क्या किया था, चैलेंज कर दिया था। और यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये सब्जेक्ट नहीं है इंटरफेरेंस का, किसी भी बात पर आप चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो पर्टिकुलर ग्राउंड फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या कोई पॉलिसीज वगैरह बनाई है मॉडिफाइड इंटेंशन बना रहे हो या फिर इरेशनल हो या फिर अनरीजनेबलनेस हो, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। और अगर एक्सेस ऑफ पावर में बना रहे हैं वो सारी चीजें नहीं आती हैं, तो इस तरीके की कोई भी इशू को आप यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट बना के नहीं ला सकते, ठीक है। हेलो, यस मैम, ठीक है। तो आप कुछ केस लॉज आप मेंशन कर सकते हैं मेरे आंसर्स में, और जो आपको सिंपल लगे जिसका जजमेंट्स वो ऐड कर लीजिएगा।
एक केस तो और था जहां पर आईआईटीस आईआईएम था या आईआईटीस था फॉर्म करने का था कि इन पर्टिकुलर सिटीज में आईआईटी या कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, 5-6 सिटीज का नाम मेंशन था, वो केस लॉ याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उसको चैलेंज कर दिया गया था कि हमारी जगह पे क्यों नहीं बनाया जा रहा, ठीक है, एक तरीके से। तो वो सारे ग्राउंड्स को यहाँ पे इन्होंने कंसिडर नहीं किया था कोर्ट्स में, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स यहाँ पे कोई भी वहाँ पे चैलेंज मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो इन ग्राउंड्स जब वहाँ पे थे ही नहीं उस पर्टिकुलर केस लॉस के अंदर, तो उसको चैलेंज कर इन्होंने अल्ट्रावाइज डिक्लेयर कर दिया था इन द फेवर ऑफ रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, मतलब केस लॉ फेवर कर दिया था इन द फेवर ऑफ रिस्पॉन्डेंट, और जो पिटीशन की जो कंटेंशन थे उसको इनवैलिड कर दिया गया था। वो केस तो याद नहीं आ रहा मेरे को, मतलब अननेसेसरी तरीके से आप किसी भी मुद्दे को उठाकर उसमें जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनको चैलेंज नहीं कर सकते। आप तभी चैलेंज कर सकते हो जब ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स वहां पे हैं, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, माना कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है पर ये सारी चीजों को फुलफिल जब तक नहीं होंगे तब तक आप उस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे केस लॉज आपको नेचुरल जस्टिस के अंदर हम पढ़ा देंगे, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे केस हैं नेचुरल जस्टिस में। तो आप ये बताओ, आपको ये सारी चीजें, ये वाला टॉपिक समझ आया? यस मैम। ओके, है तो बहुत बोरिंग। समझ आ रहा कि नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा।